ये देखिए क्या घूम रही है हमारी ट्रेन, कितनी लंबी है हमारी ट्रेन, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन नजारा है दोस्तों। ये देखिए फुल स्पीड में हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल गई है, देखिए कितनी सारी कोचेस है इसमें, जबरदस्त सीन है, एकदम अद्भुत सीन है दोस्तों। हेलो दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या बोलती है पब्लिक, आज कहाँ जाएगी? तो दोस्तों आज हम लोग कुछ नया करेंगे, आज हम लोग चलाएंगे वेब 7 इंजन के साथ ICA ब्लू कोच जो सूरत से कोटा की तरफ जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का, सारे पैसेंजर चढ़ जाइए क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में चाय का मज़ा भी मिलेगा। इसमें चाय चाय की आवाज़ सुनाई देगी, मूंगफली की आवाज़ सुनाई देगी और साथ में पूरी सब्जी विद मिर्ची भी मिलेगी। ये ट्रेन सबसे मज़ेदार होता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है, दो दो लोकोमोटिव है इसमें वेब 7, दो दो ICA ब्लू कोच के साथ दो दो लोकोमोटिव, क्या अद्भुत नज़ारा है दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा रूट पे कौन सी ट्रेन चलाए यार। जैसी आप कमेंट करेंगे वैसी ट्रेन चल जाएगी। और मैं कमेंट में ये भी बताइए कि आपने उस ट्रेन में सफ़र किया है कि नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है और ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, सिर्फ 2 या 3 स्टॉपेज आएगा, वहीं रुकेगी और शायद ना अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन अपनी रफ्तार की ओर बढ़ रही है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सफ़र का मज़ा लेना है तो चाय की चुस्की साथ में होना चाहिए, चाहे चाय कितनी भी बेकार हो लेकिन ट्रेन में चाय को जो डिप मारते हैं ना बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। चाय, चिप्स, पानी पानी, ये चीज़ें बस सुनने को है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे राजधानी हो गई, तेजस हो गई, इनमें सुनने को नहीं मिलता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी टिकट के साथ मिलता है आपको फूड और बेवरेज। लेकिन दोस्तों ये सब लोकल ट्रेन और ICA ब्लू कोच स्लीपर कोच, इसमें आपको ये सब फैसिलिटी मिल जाती है कि चाय वाला आ गया और बाहर की चीज़ें, आप स्टेशन के बाहर आप आराम से खिड़की से हाथ इधर से डालेंगे और उधर से पूड़ी पकड़ा देगा, इधर से आप हाथ डालेंगे उधर से आपको चाय पकड़ा देगा, तो ये बहुत मज़ा आता है। बस ध्यान रखिएगा कि आप नारियल मत लीजिएगा, अगर इधर से आप हाथ डालेंगे उधर से वो नारियल पकड़ा देगा तो अंदर नहीं आएगा नारियल, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, तो आपको पाइप लगा के वहीं से पीना पड़ेगा। ये देखिए हमारी ट्रेन आ रही है, फुल स्पीड में आ रही है, 136 की स्पीड से आ रही है और आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई और ये हवा को चीरते हुए पुष्पा एक्सप्रेस की तरफ फुल स्पीड में निकल गई। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी कोचेज है इसके अंदर, आप देख सकते हैं काफी लंबी है हमारी ट्रेन। बदुला स्टेशन आने वाला है दोस्तों, सबसे अच्छा लगता है दोस्तों स्लीपर कोच में खिड़की वाली सीट मिल जाए तो समझ लो सफ़र जो है सुहाना हो जाता है। और सबसे बुरा लगता है दोस्तों कि आपकी सीट तो कंफर्म है लेकिन आपको मिडल वाली सीट मिल जाए, ना आप नीचे की रहें ना आप ऊपर की रहें, आप बीच में लटके रहेंगे, तो ये एक सैंडविच की तरह फील होता है दोस्तों। तो इससे अच्छा आप पहले टिकट कराएं अपना और उसमें विंडो साइड ऑप्शन होता है सिलेक्ट करें, लेकिन टाइम से पहले टिकट कटाना होता है, सडनली टिकट कटाएंगे तो सैंडविच बन के जाएंगे या समोसे बन के जाएंगे। ये देखिए ट्रेन हमारी स्टेशन पहुंच चुकी है, और फाइनली स्टॉप पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़ गई क्योंकि फुल स्पीड में हमारी ट्रेन आ रही थी। लोको पायलट को एकदम से ध्यान है कि यहाँ रोकना है उसको, तो उसने सडनली ब्रेक लगाया तो यहाँ जाके रुकी, अगर ध्यान नहीं आता तो सीधे लास्ट स्टॉप पे ही निकलती है हमारी ट्रेन। और ये हमारी ट्रेन, ओहो हो गरीब रथ वंदे भारत एक्सप्रेस, दो दो ट्रेन हमारे साथ में खड़ी हैं, लेकिन हम इनसे रेस नहीं लगाएंगे, हमें पता है हमें किसके साथ रेस लगाना है, तो हम चुपके से धीरे से पैर दबा के निकल जाएंगे। और ये हमारी ट्रेन निकल गई रतलाम की ओर,
गेम का नाम है दोस्तों इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन घूम चुकी है, और आप कोच देखिए लास्ट वाली कोच कितनी दूर है हमारी वेब 7 इंजन से, यानी हमारी ट्रेन बहुत लंबी है। ये देखिए क्या नज़ारा है, कितनी लंबी ट्रेन घूमती हुई जा रही है दोस्तों, जबरदस्त नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए अभी तक लास्ट कोच घूम रही है, ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए इसी बात पर ब्रिज आ गया, लोग नहा रहे थे नीचे मल मल के, लेकिन उन्होंने नहाना छोड़ दिया क्योंकि उनको शावर चाहिए था, ट्रेन के नीचे खड़े हो गए, ऊपर से उनको शावर मिलना शुरू हो गया। अब वो पानी है वो क्या है वो लोग को नहाने के बाद ही पता चलेगा। और ये हमारी ट्रेन सबको नहलाते हुए धुलाते हुए निकल गई। लिमिट 140 की है, अब स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है, और इसी बात पे लगता है कोई स्टेशन है, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी नहीं, और सही में नहीं रुकी दोस्तों, और धूल उड़ाते हुए निकल गई। साउंड सुनिए दोस्तों क्या जबरदस्त साउंड है इस ट्रेन का, इस ट्रैक का, इस गेम का, खेत ही खेत देखने को मिलेंगे आपको। बस सुबह सुबह अगर आप स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों एकदम 5-6 बजे, तो खिड़की के बाहर देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि खेतों में हरियाली की सुबह बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ जाना नहीं और देखना नहीं, अगर ट्रेन रुक गई तो उतरना नहीं। और ज़्यादा अगर मज़े लेने हैं दोस्तों तो उतर के किसी का लोटा लेकर वापस चढ़ जाना। ट्रेन के पीछे भागते हुए मिलेगा आपको। सबसे बेहतरीन नज़ारा होता है दोस्तों अगर ऐसा आप किसी के साथ प्रैंक करें तो, वेब 7 इंजन की स्पीड आ जाएगी उसके अंदर जिसका लोटा होगा। और ये देखिए हमारी ट्रेन यहाँ भी नहीं रुकेगी। ग्राफिक्स देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन ग्राफिक्स है इस गेम का, साइड में बिल्डिंग, बगल में खेत, उसके बाद लोटा, सब चीज़ दिखेगा आपको इस गेम में। कंटेनर देखिए कितने सारे कंटेनर हैं इस गेम में, एकदम रियलिटी फील होता है दोस्तों। और ये रतलाम स्टेशन आने वाला है, और ये स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। जिसको जिसको चाय पीना है, वो फली खाना है उतर जाएं, पूरी भाजी खानी है, पानी की बोतल लेनी उतर जाएं। देखिए बिस्लेरी लीजिएगा, बिस्लेरा ना ले लीजिएगा, लेरा लेरा हो जाएगा। बिस्लेरी के नाम पर बिस्लेरा भेज दिया जाता है स्टेशन पे, और किलने की जगह पर क्यों लिया भेज दिया जाता है। ये सारे पैसे उतर गए। ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस फिर से, तभी तो हमारी ट्रेन ने वंदे भारत एक्सप्रेस से रेस नहीं लगाया, पहले से वंदे भारत आ चुकी है, पहले वो पिछले स्टेशन पे खड़ी थी, बीच में 2 बार रुकी भी होगी, लेकिन तब भी पहुंच गई। इसलिए तो हमारा लोको पायलट काफ़ी होशियार है और उसने रेस नहीं लगाया। और हमारी ट्रेन फिर बढ़ रही है धीरे धीरे। ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्या नज़ारा है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हुई है हमारी ट्रेन की। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है कोटा की तरफ, साइड में बसेस खड़ी है, ब्रिज के नीचे से हमारी ट्रेन निकल रही है। ग्राफिक्स देखिए क्या एक्चुअल ग्राफिक्स है इस गेम का, रियलिस्टिक फील होता है एकदम। ये देखिए ट्रैक चेंज हुआ है, एकदम मजेदार गेम है दोस्तों, सही में मजेदार गेम है। दोनों लोकोमोटिव दोनों मिलके खींच रहे हैं ICF कोच ब्लू।
वो भी स्लीपर, इसको कहते हैं पहलवानी। हंड्रेड क्रॉस कर चुकी है हमारी स्पीड। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके बताइए कि कौन से रूट पर ट्रेन चलाएं। जब तक आप बैठेंगे नहीं ट्रेन चलेगी कैसे? टिकट कटाएं ना कटाएं बस कमेंट कर दें, ट्रेन अपने आप चल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। और ये देखिए ब्रिज के ऊपर से, नीचे से तो गुजरेगी नहीं, ऊपर से ही गुजरेगी, तो ब्रिज के ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर गई छनछनाते हुए, धनधनाते हुए। और ये स्टेशन कोटा आने वाला है दोस्तों, ये देखिए फाइनली दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच गई टाइम से पहले। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में बने रहें, गेम में बने रहें। कमेंट करके बताइए कि कहाँ जाना है आपको, वहीं पहुँचा देंगे, जैसे ही बोलेंगे उसी टाइम पहुँचाएँगे आपको। तो देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।